हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इटैक्स हेल्पलाइन पर, और मैं आपका दोस्त सीए मोहित गुप्ता। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के नए सेक्शन 269SU को। हालांकि ये फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस का बजट आया था 2 नंबर आफ्टर इलेक्शंस, उसमें ही प्रपोज हो गया था, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ है 1 नवंबर 2019 से। जैसा कि हम सबको पता है कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, फ्रॉम देयर फर्स्ट टर्म, दे आर टॉकिंग अबाउट कि ब्लैक मनी हम खत्म कर देंगे, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, और इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स में बदलाव किए हैं, इनकम टैक्स में भी और दूसरे कानूनों में भी। इसी टारगेट की तरफ उनका जो अगला कदम है वो सेक्शन 269SU है। सेक्शन 269SU जो 1 नवंबर 2019 से एप्लीकेबल हो गया है, वो बोलता क्या है, उसके क्या क्या आपके ऊपर एज ए टैक्स पेयर, एज ए बिजनेस पर्सन पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो क्या आपके वो पेनल्टी और लेट फीस पे करनी पड़ेगी, वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो 269SU क्या कहता है, इट मैंडेट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो हम देखेंगे कि क्या क्या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं, क्या चेक से पेमेंट ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्या बिल्कुल कैश बंद हो गया है। सो इट सेज एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शैल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड इन एडिशन टू द फैसिलिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट इफ एनी बींग प्रोवाइडेड बाई सच पर्सन विच टोटल सेल्स टर्न ओवर और ग्रोस रिसिप्ट इन बिजनेस एक्सीड्स 50 crore rupees ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो अगर आपके टर्नओवर इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल 18-19 में आपके टर्नओवर अगर 50 करोड़ से ज़्यादा की है, तो ये प्रोविजन 1 नवंबर 2019 से आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। और अगर फाइनेंशियल 18-19 में आपके टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो आप इस प्रोविजन, ये प्रोविजन आपके ऊपर नहीं लगेगा, आप इस प्रोविजन से बच गए हैं। लेकिन अगले साल अगर आपकी फाइनेंशियल टर्न ईयर 2019-20 की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा चली जाएगी, तो ये प्रोविजन आपके ऊपर फिर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी है, अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा है तो प्रोविजन लगेगा, 50 करोड़ से कम है तो नहीं लगेगा। इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ द अवर साइड प्रोविजन, इट इज प्रपोज टू इंसर्ट ए न्यू सेक्शन 271DB टू प्रोवाइड दैट द फेलियर टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते पेमेंट करने के लिए, तो देन इन दैट केस आपके ऊपर 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी, और वो कंटिन्यूस फेलियर के ऊपर लगातार लगती रहेगी टिल द डेट आपका फेलियर कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर द पेनल्टी शैल नॉट बी इम्पोज इफ द पर्सन प्रूव्स दैट देयर वाज गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर सच फेलियर। अगर आपके पास सफिशिएंट रीजन है कि वो जो फेलियर हुआ वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल हुआ, देयर वाज सफिशिएंट रीजन फॉर दैट, देन कमिश्नर हैव द पावर देन टू ड्रॉप दैट पेनल्टी, अदरवाइज आपके ऊपर वो पेनल्टी लगेगी। ज्वाइंट कमिश्नर के पास वो पावर है कि वो आपके ऊपर 5,000 पर डे की पेनल्टी लगा सकता है, और कंटिन्यूअस अगर आपका डिफॉल्ट है तो वो फिर 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से, नंबर ऑफ डेज ऑफ डिफॉल्ट के हिसाब से वो आपके ऊपर लगा रहेगा। फर्दर डिपार्टमेंट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट लेनी है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक ऐप्स, जैसे हम पेटीएम या कोई भी ऑनलाइन रुपए, कोई भी हम जो ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज़ करते हैं, उन सभी को इनवाइट किया कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रोच करें और वहाँ से ऑथेंटिकेशन लें, ताकि उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट में काउंट किया जा सके। डिपार्टमेंट वो लिस्ट निकालेगा कि किस किस को इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट माना जाएगा, और फिर कोई भी बिजनेस पर्सन है जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर जाती है, वो उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का ऑप्शन अपने कस्टमर को दे सकता है, और वो कस्टमर्स जो हैं उसके थ्रू ही पेमेंट करेंगे। साथ के साथ फाइनेंस एक्ट में ये भी था कि द इंटीमेशन विल बी गिवन टू ऑल द बैंक्स दैट दे विल नॉट चार्ज एनी फीस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। भी दुकानदार अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट लेगा, तो आज के दिन बहुत सारे बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज डेबिट कार्ड की पेमेंट्स के अगेंस्ट बैंक्स चार्ज करते हैं। तो डिपार्टमेंट हैव इशूड दैट इंस्ट्रक्शन ऑल्सो कि बैंक कोई भी चार्ज नहीं करेगा
अदरवाइज दैट विल बी लॉस टू द बिजनेस. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड. सेकंड क्वेश्चन, क्या चेक से पेमेंट ले सकते हैं, क्या कैश बुरी तरीके से इन लोगों के लिए बैन हो जाएगा. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, सो ई पेमेंट, ई पेमेंट में क्या क्या कवर होता है. ई पेमेंट में कवर होता है NEFT, देन RTGS, IMPS, ये डायरेक्ट, ये सारे बैंकिंग चैनल के थ्रू हो गए. देन अदर देन दैट, भीम ऐप से अगर आप पेमेंट करें, UPI से कोई पेमेंट करें, UPI QR कोड से करें, आधार पे से करें, और कोई दूसरा पेमेंट गेटवे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अप्रूव करता है. तो जैसे ये पेटीएम है या कोई भी फ़ोनपे है या कोई भी दूसरी ऐप है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे ही एक इनको नोटिफाई करेगा, ये हालांकि ये तो ऑलरेडी नोटिफाइड है, बट जो भी नई नई पेमेंट ऐप्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में नोटिफाई करता है, तो वो भी उसके साथ साथ उन इलेक्ट्रॉनिक मोड की पेमेंट में ऐड हो जाएंगी. और जो डायरेक्ट बैंकिंग मोड की पेमेंट्स है वो है RTGS, NEFT और IMPS. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या चेक से पेमेंट भी अब गलत हो गई, क्या हम चेक से पेमेंट भी नहीं ले सकते. ये मेरा पर्सनल स्टैंड है कि चेक से पेमेंट वैलिड रहेंगी. हालांकि आप चेक से पेमेंट लेते हैं तो आप कस्टमर से, बीइंग ए बिजनेस पर्सन, आप कस्टमर से डिक्लेरेशन ले लीजिए दैट ही इज नॉट यूजिंग द नेट बैंकिंग. क्योंकि अगर मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करता है इन जनरल प्रैक्टिस, तो फिर हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही पेमेंट लें. बट अगर कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज ही नहीं करता और चेक से पेमेंट करना चाहता है, वो भी एक बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट है, हालांकि डिपार्टमेंट ने कहीं भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि चेक से पेमेंट वो इलेक्ट्रॉनिक मोड की पेमेंट मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पेमेंट थ्रू चेक इज ए वैलिड सोर्स ऑफ पेमेंट. तो वो कहीं ना कहीं हम, मेरे को ऐसा लगता है कि चेक से पेमेंट शायद डिपार्टमेंट बाद में क्लैरिफाई करते दैट इट इज ए वैलिड सोर्स ऑफ पेमेंट और उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड की पेमेंट में काउंट कर लिया जाएगा. इन शॉर्ट, आपकी कोई भी पेमेंट जो कैश में हो रही है या एक ऐसे सोर्स से हो रही है, ऐसे मैकेनिज्म से हो रही है जो नोटिफाइड नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, या बैंकिंग लॉज में नोटिफाइड बैंक पेमेंट में वो काउंट नहीं होता, तो वो जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी डिफॉल्ट पेमेंट मानी जाएंगी. और उनके ऊपर फिर आपको, अगर आपके टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की, तो आपको जो है पेनल्टी लग सकती है 5,000 रुपये पर डे, और वो कंटिन्यूस पेनल्टी लग सकती है जितने दिन भी आपका डिफॉल्ट रहेगा. तो ये सब था जो सेक्शन 269SU और साथ के साथ सेक्शन 271DB जो नया पेनल्टी का सेक्शन इंसर्ट किया है डिपार्टमेंट ने. आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप डिस्कस कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं. थैंक यू.